मैं बजाते खुद यहाँ आया हूँ और मैं इन हालात का मुकाबला करने के लिए ऐलान जंग कर रहा हूँ, तबले जंग बजा रहा हूँ। आओ मैदान में, पूरा मुल्क उठेगा और तमाम मुल्क के अंदर इनको जाम कर दो, इनकी हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। मैं पीडीएम के सरबराह की हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने दोस्तों के हमराह गिरफ्तारी पेश करूंगा और पूरे मुल्क को कहना चाहता हूं, तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूं, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूं कि वो पहुंच सके तो इस्लामाबाद पहुंचे, वरना अपने अपने शहरों में रोड बंद कर दें, कारोबार वतन बंद कर दें और उनको बता दें कि तुमने हमें चैलेंज किया है, हमने आपके मुकाबले की कसम खाई है, हम आपसे लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे और इंशाल्लाह कारकुन जहां भी है हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकल आए और इस जालिमाना जाबिर नालायक नाअहल हुकूमत के खिलाफ जिस जगह पर भी हो पुरामन जंग शुरू कर दें, एहतजाज शुरू कर दें, सड़कों पे आ जाएं और अपने जमहूरी हक उसको इस्तेमाल करें। हम इस्लामाबाद की पुलिस की दहशतगर्दी को नहीं मानते। ये यहाँ का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ये इमरान खान का जाती मुलाजिम है और जाती मुलाजिम का किरदार अदा किया है। हम डीआईजी और इनके मातहतों को बताना चाहते हैं कि आपने आज एक ऐसे इमरान खान जिसके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है, आपने उनके जाती मुलाजिम का किरदार अदा किया है। तुम्हें कानून के तहत इनके जाती मुलाजिम का किरदार अदा करने का कोई हक हासिल नहीं है और अगर आप करेंगे तो हम आपके सामने आएंगे, आपके गरेबान को पकड़ेंगे, आपको कानून की खिलाफ वर्जी से रोकेंगे। तुम कौन होते हो कानून को तहफ़ देने वाले? हम हैं कानून को तहफ़ देने वाले, मुल्क के आइन को तहफ़ देने वाले। लिहाजा हम आए हैं, अगर मेरे MNAs को गिरफ्तार किया जाएगा, PDM के किसी मेंबर को गिरफ्तार किया जाएगा, हम भी गिरफ्तारी देंगे और हम यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। मैं बजाते खुद यहाँ आया हूँ और मैं इन हालात का मुकाबला करने के लिए ऐलान जंग कर रहा हूँ, तबले जंग बजा रहा हूँ। आओ मैदान में, पूरा मुल्क उठेगा और तमाम मुल्क के अंदर इनको जाम कर दो, इनकी हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। वकड़म दमयो द लर गयो द पगड़ो द सड़यो आन पमा बदेश खिखड़ी बदगुमान बशी ग्रानी द नफरत तुखम कर ले रात कूर की ओ हम तो आपके साथ एक MLA को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं सर? क्या कोई नहीं, कोई चीज नहीं, घर पे कुछ नहीं बताया, बगैर इजाजत की कोई भी नहीं आया इधर, घर पे हिरासत है और क्या हमें हिरासत मिलेगा? ये क्या है मेरे बच्चे, दरवाजा को तोड़ा, सारी शिशे उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने कुलीस के लिए उनके लिए उन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान के कहने पे। ना इमरान खान रहेगा और ना उसके गुमाश्ते रहेंगे, चंद दिनों की बात है इंशाल्लाह। SSA इंसानियत चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।